नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मिलिट्री ब्लॉग। मिलिट्री ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस, मैं आई हूँ नेपाल का मांगसीपुर गांव में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है आज किराती धर्म का। जैसे कि मेरा पापा ने किराती धर्म लिया था। हिंदू में भी बहुत सारा धर्म होता है, जैसे कि वैष्णव धर्म होता है और आपका जयगुरु होता है, तो ऐसे हम लोग का नेपाली में किराती धर्म होता है। किराती धर्म में आप नॉनवेज नहीं खाते हो, ओनली वेज खा सकते हो। और जैसे कि कुछ भी प्राणी हो उसका आप हत्या नहीं कर सकते हो, मार नहीं सकते हो, उसको काट नहीं सकते हो, उसका बलि नहीं दे सकते हो। अब ओनली फूल और फ्रूट्स से मतलब पूजा किया जाता है, तो ऐसे ही धर्म है ये। तो आज यहाँ पे मतलब जो गुरु है उसका जन्म दिवस पालन किया जाता है, इसलिए मैं आई हूँ। तो आज से 4-5 साल पहले मैं पापा के साथ आया था, पापा ने लेके आया था, तो मम्मी को भी बहुत आने का मन था। खैर अभी तो पापा नहीं है, इसलिए मैं मम्मी को लेके आई हूँ। तो गाइस, और यहाँ पे जितना भी लोग हैं ये गांव में सब वेजिटेरियन है, नॉन वेज यहाँ पे मिलता ही नहीं है, आप खरीद भी नहीं सकते हो, बेच भी नहीं सकते हो। और जो भी है उन लोग खुद से ही खेती करके ऑर्गेनिक फूड खाता है यहाँ के लोग। तो गाइस, तो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो और मैं आप लोग को सारा जानकारी दूंगी किराती का बारे में। और जो ये ड्रेस मैंने पहना है, ये हम लोग का एक जब पूजा का टाइम में पहना जाता है, तो मैंने भी पहना है। तो आप लोग कमेंट पे बोलिए कि मैं कैसा लग रही हूँ, और मम्मी भी साइड पे दिख। गाइस, यहाँ का रास्ता बहुत ही डेंजर है, मैं तो चल चल के थक गई हूँ। बहुत ही अप चढ़ना पड़ता है, एकदम अप डाउन ऐसा होता है। पवित्र हनुमान लिंग दिन सरस्वती शिव जन्म सप्त था मृग मनुष्यमान लिंग दिन आठ मंदा सिंह नुमंगीन अवसर में सेवा समारोह 2079 आयोजन सदस्य हमारा तिंदा पौली भंसरी दिन इलाम 7167 सिपाया पौली लुकुवा भंसरी पास इलाम आसाम 7070 सिक्किम का आवास राय कोकराझार आसाम 7070 नरबहादुर इदिंगो आसाम कोकराझार रूप 10000 धनवती दुमी खालिम राय अमेरिका 7067 पवित्र न्यू प्राणी उप्रे फाइनली हम लोग का नेपाल का टूर खत्म हो गया है, और जो भी था अच्छा से हुआ, पूजा वगैरह भी अच्छा से हुआ। और आज हम लोग वापस जा रहे हैं आसाम, तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी होके जा रहे हैं। तो सिलीगुड़ी का जो रास्ता वगैरह देखे मुझे बहुत ही याद आ रहा है मेरा कॉलेज टाइम का, क्योंकि मैं भी 5-6 साल पहले यहाँ पे मैंने HM किया था सिलीगुड़ी से, तो मुझे बहुत ही याद आया। जब स्टेशन देखा तो और भी ज़्यादा याद आया। जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी मैं एकदम से याद करता था, मैं एकदम तुरंत जाती थी स्टेशन, और मैं एकदम जनरल टिकट लेकर ही
रास्ता ट्रेन में चढ़ जाती थी, 8 सुबह तक पहुंच जाती थी गुवाहाटी, तो मुझे वो सब बहुत ही याद आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा, पुराना ताजा पुराना यादें ताजा करके। तो ये हम लोग का लास्ट डे था और बहुत ही अच्छा लगा गाइस। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मैं इतना मेहनत से बना रही हूँ, आप लोगों को सारा टूर दिखा रही हूँ गाइस, प्लीज़ इतना तो बनता है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। भाई देखे ना तो सबाई के भाई चला।